आप देख सकते हो कोई रिक्वेस्ट नहीं आएगा। ठीक है ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम पाटकर, आप देख रहे हैं टेक्निकल सत्यम यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास ब्लूटूथ हेडफोन या फिर ब्लूटूथ एयरडॉप्स है और इसको आपको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करने नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल से बताऊँगा कि आप इसको कैसे अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और म्यूजिक को इन्जॉय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है अपना ये एयरडॉप्स ऐसे ले लेना है। उसको दोस्तों यहाँ पर इसका सेंसर लगा होता है, तो इसको आपको ऐसे ऑन कर लेना है। ठीक है, इसको ऑन करने के बाद दोस्तों अगर आपके पास ब्लूटूथ का हेडफोन है तो दोस्तों यहाँ पास बटन दिया होता है, यहीं आसपास आप देख लीजिएगा, यहीं आसपास पावर बटन होता है, तो आपको दोस्तों इसको लंबा प्रेस करना है, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। तो मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पास ये दोनों ऑन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करना होता है। ये सारा डिटेल मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन में जाकर बताता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पास मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने ब्लूटूथ हेडफोन, एयरडॉप्स, ईयरबड्स, जो भी ब्लूटूथ डिवाइस होगा गाना सुनने वाला, उसको ऑन करने के बाद आपको अपने मोबाइल में एक चीज़ करना होता है। यहाँ पास दोस्तों आपने अपने ब्लूटूथ डिवाइस को ऑन किया, हेडफोन, एयरडॉप्स जो भी होगा आपके पास, और सीधे ब्लूटूथ को ऐसे ऑन कर दिया, तो इससे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पास आपको एक थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा। जब आप पहली बार कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हो तो यहाँ पास थोड़ा सा एक सेटिंग करना पड़ता है पहली बार। उसके बाद एक सेटिंग करने के बाद पहली बार बाद में अपने आप ही कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ को ऑन करने के बाद। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो पहली सेटिंग क्या है जो पहली बार करनी होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पास आपको अपना नोटिफिकेशन बार को ऐसे नीचे करना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पास आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों यहाँ पास जो ब्लूटूथ लिखा है उसको आपको टच करना है, ना कि ब्लूटूथ के आइकन को। ठीक है, तो ये जो ब्लूटूथ लिखा है उसको आपको टच करना है। टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पास आपको जो ब्लूटूथ को ऑन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर स्कैन कर रहा है, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस आपके आसपास होगा तो देख सकते हैं दोस्तों कि अवेलेबल डिवाइस में रॉकर्स 550 का नाम आ गया, जो कि मेरा ब्लूटूथ हेडफोन का नाम है। वैसे ही आपके पास जो भी डिवाइस रहेगा उसका नाम अवेलेबल डिवाइस में आ जाएगा आपके ब्लूटूथ में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने जो नाम लिखा है ना आपके मोबाइल में भी आ रहा होगा, तो उसको ऐसे टच करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि पेयरिंग की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पास अब एक रिक्वेस्ट आया, जैसा कि आप देख सकते हो कि ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट, मतलब यहाँ पास यही दोस्तों कि आपका मोबाइल जो है कोई दूसरे ब्लूटूथ डिवाइस के साथ जुड़ना चाहता है या फिर नहीं, तो इसको यहाँ पास रिक्वेस्ट आया। तो दोस्तों यहाँ पास आपको जोड़ना है, तो यहाँ पास आपको पेयर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो पेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं आपको सुनाऊंगा। जैसा कि आपने सुना कि जो मेरा मोबाइल है वो ब्लूटूथ डिवाइस यानी कि जो मेरा हेडफोन है उसके साथ कनेक्ट हो चुका है। बस दोस्तों ऐसा ही करना है। यहाँ पास आप देख सकते हो कि रॉकर्स 550 लिखा है ब्लूटूथ की जगह, मतलब कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों आपको ये सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हर बार, जैसे कि मैंने ब्लूटूथ को ऑफ किया। ठीक है, अब मैंने फिर से ऑन किया तो ये अपने आप ही, यहाँ पास दिखाता हूँ कि ये अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा मेरे ब्लूटूथ हेडफोन के साथ मेरा मोबाइल। ठीक है, अब देखते रहिए, थोड़ा सा टाइम जरूर लेता है कभी कभी। यहाँ पास आप देख सकते हो कोई रिक्वेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, बस दोस्तों इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।